हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ कि आप सभी लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में और मौज ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइज, मैं भी हूँ बहुत बढ़िया और मौसम भी है बहुत ज़्यादा ही सुंदर। ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है और हल्की वाली धूप लगी हुई है। काफ़ी सुंदर सा मौसम बना हुआ है। तो इस सुंदर से खूबसूरत से मौसम के साथ स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सुहाना मिश्रा ब्लॉग पे। सो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग होने वाला है मेनली एक कुकिंग लंच ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मांस के चैसे की यानी कि चौसा रेसिपी, पहाड़ी जो हमारे पहाड़ों में खूब ज़्यादा बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन की तरफ। ये हमारा लोटा है, ये हमारा लोटा है, छोटी दादी का है। तो गाइज आज बन रहा है मांस का चैसा। काफ़ी टाइम के बाद बना रही है। टाइम क्या आप ही समझो कि साल भर से भी ऊपर हो गया, अगर शायद 1.5-2 साल हो गया जब से मैंने मांस का चैसा बनाया नहीं है। चौसा भी बोलते हैं इसको, तो हम चैसा बोलते हैं। तो ये साबुत वाले काले मांस ले लिए यानी कि उड़द की दाल ले ली है मैंने। आप इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, पर यार मेरे से सिलबट्टे में ना बारीक नहीं होता, अभी लाइट है, तो मैं फटाफट से इसे मिक्सी में ना पीस लेती हूँ। बारीक सा ना इसका पाउडर बना लेती हूँ पीस के। सिलबट्टे में दलना बोलते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं इसको पहले फटाफट से। चलिए तो ये मैंने पीस लिया है मिक्सी में। आप चाहे ना इसे रोस्ट करके भी पीस सकते हैं, यानी कि ना थोड़ा सा जिससे हम मसाले वगैरह भून लेते हैं बगैर ऑयल के, तो वैसे भी आप इसे पीस सकते हैं। वैसे भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और जल्दी पीस जाता है, पर ना ये दाल अच्छी खासी सूखी हुई थी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, फटाक से पीस गई। देखिए बहुत थोड़ा सा पीस लिया मैंने, क्योंकि इसमें आटा भी पड़ता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी फिलहाल तो इसका हम बंद कर देते हैं और पहले हम अपना और काम निपटाते हैं, उसके बाद हम लंच की तैयारी करेंगे। बिकॉज अभी ना लाइट है तो इसलिए मैंने पीस लिया। आजकल यहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है, अगर चली गई फिर 10-10:30 बजे चले जाते हैं, शाम के 5-5:30 बजे आती है, तो इसलिए मैंने ये पीस के भी रख दिया है। फिलहाल अपना और काम निपटा लेते हैं हम, उसके बाद शेयर करूंगी मैं आपके साथ ये चैसा की रेसिपी आज। भाई आज संडे है तो थोड़ा लेट लेट ही काम चल रहा है, क्योंकि संडे के दिन यार ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट तो हो ही जाती है। लेट लेट उठते हम और पता नहीं तन्नू यहाँ पे क्या देख रहा है, कौन सी मूवी मुझे नहीं पता, मैं मूवी देखती नहीं हूँ। क्या है, क्या होती है वो, थॉर शू। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिए गाइस और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया रिफाइंड तेल, क्योंकि इससे क्या होता है पता, आपके चावल ना बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे और वाइट बनेंगे। तो चलिए पहले हम चावल बना के रेडी करते हैं, उसके बाद हम चैसा बनाएंगे। तो चावल हमारे बन गए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है गर्म करने के लिए और यहाँ पे लहसुन और प्याज बहुत थोड़ा सा मैंने काट लिया बारीक बारीक सा, और सूखी हुई लाल मिर्च, और ये रख लिया आटा, सूखा आटा, और ये काली दाल उड़द की जो मैंने पीस रखी यानी कि मांस की दाल, एंड मसाले का डब्बा भी साथ साथ में रख लिया है यहाँ पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं सरसों का तेल, ये जाएगा सरसों का तेल, तो इतना तेल काफी है, बहुत ज्यादा है। तो चलिए तेल देखो कितनी जल्दी गर्म हो गया, क्योंकि मेरी ना कढ़ाई गर्म हुई पड़ी थी इसलिए तेल भी जल्दी जल्दी से गर्म हो गया।
तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च, अब डाल दिया इसमें लहसुन और प्याज, अब इसे चला लेते हैं और हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। रोज तो लाइट चली जाती है, बस आज ना मेरी किस्मत से लाइट है, क्योंकि मुझे इंडक्शन में काम करने की आदत हो गई है और मैं ना गैस पे सही तरीके से अब खाना बना नहीं पाती, क्योंकि इंडक्शन यूज करना शुरू किया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे इंडक्शन यूज़ करते हुए, मतलब ये मान के चले 7-8 साल तो हुई है, तो इंडक्शन में ना मुझे कम्फर्ट महसूस होता है, आराम से बन जाता है, और गैस में ना मैं आधा गिरा देती हूँ, आधा जल जाता है, तो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती जितने अच्छे से इंडक्शन में हो जाता है। देखो प्याज हमारा ना गोल्डन ब्राउन हो गया, तो अभी हम इसमें ना ये दाल डाल देते हैं और पहले हम इसको सेल कर देते हैं, हाथ में इसका कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये दाल ना मैंने बहुत बारीक बारीक से पीसी हुई, इसलिए मैं आटा ना कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही ये गाढ़ा बन जाएगा अच्छा, और दाल को ना मैं अच्छे से ना बिल्कुल कम फ्लेम पे ना कम आँच पे भून लेती हूँ, ताकि ये जले नहीं, सिर्फ भून जाए और सुनहरा हो जाएगा, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो थोड़ा हल्का भुनने पर ना मैं इसमें आटा डालूंगी अभी, तो पहले मैं इसे हल्का हल्का सा भून लेती हूँ। अब मैंने इसमें ये आटा भी डाल दिया और आटा भी इसके साथ साथ में भून लेती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, एक चीज़ ज़्यादा जल जाएगी और एक चीज़ कच्ची रह जाएगी, तो दोनों साथ साथ में, दाल का जो कच्चापन है वो तो भूनने से निकल चुका है, तो अब आटे के साथ इसे अच्छे से भून लेती हूँ, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक, बिल्कुल सिम वाली फ्लेम पर, ठीक है, बहुत कम आँच पर, जलाना नहीं है सिर्फ भूनना है। तो चलिए इसे फटाफट ना 5-6 मिनट भून लेती हूँ मैं अच्छे से, एंड उसके बाद इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी। बहुत सिंपल है यार, आपका अपना अपना तरीका है, हम लोग ऐसे सिंपल तरीके से बनाते हैं, प्याज लहसुन भी अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ जीरे से भी बहुत टेस्टी बन जाता है। पर लहसुन का जो फ्लेवर है ना, आप लोगों को पता ही होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इस तरीके से मैं छुड़काने में भी ऐड कर दी थी, उसमें मैंने डाल दिया है, बस अपना अपना टेस्ट है, बस सिंपली बनते, जो हमारा पहाड़ी खाना होता है ना बहुत सिंपल तरीके से बनता है, तो उसमें ज़्यादा आपको इतनी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मसाला वो मसाला, और अच्छा भी नहीं लगता है, इस तरीके से सिंपल तरीके से बनाओ तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई पहाड़ी खाना है बहुत साधारण तरीके से बनता है, तो आप उसमें सब कुछ चीज़ें डाल देंगे, टमाटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते, तो उसका जो स्वाद होता है ना, जो उसका रियल टेस्ट होता है, वो चला जाता है। तो इसलिए नॉर्मली बस हल्के फुल्के से मैं इसमें हल्के ही मसाले डालूंगी। तो 5-7 मिनट हो गए मुझे भूनते भूनते, और देखो ये कितना अच्छा बन गया ना, चूरमा जैसा लग रहा है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन भी हो गया ना। आप अगर इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो और ज़्यादा स्वाद बनता है, पर मेरी लोहे की कढ़ाई ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और मुझे बनाना बहुत थोड़ा सा, तो फिर बड़ी वाली कढ़ाई यूज़ करके ना कोई फ़ायदा नहीं, तो इसमें भी काफ़ी टेस्टी बनता है, क्योंकि बहुत पुरानी कढ़ाई है ना, इसमें बड़ा अलग स्वाद आता है, पर लोहे की कढ़ाई में तो स्वाद आता है ना, मतलब से डुबकी छुड़कानी और छताप बनाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखो भून गया, अब मैंने इसमें पानी डालते हैं, अब चाहे तो ऐसे मसाले भी भून सकते हैं, पर मैं ऐसे मसाले नहीं भूलूंगी, मैं पानी डाल लेती हूँ, उसके बाद मसाले ना ऊपर से डालूंगी, कच्चे ही डालूंगी, तो वो मसाले का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा ऐड हो जाता है, अगर ऐसे भून लूँगी तो मसाले भूनते तो है नहीं, पर जल जरूर जाते हैं, कोई इतना अच्छा वाला स्वाद नहीं आता है। तो चलो इसमें ना पानी डालते हैं, मैं खुद ही एक हाथ से ना मैंने कैमरा पकड़ा, क्योंकि मैं ना ट्राइपॉड एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे ना रुक गया, इतना स्पेस नहीं बन पा रहा यहाँ पे मेरे स्लाइडर पर, इसलिए मैं ना हाथ से एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ और एक हाथ से काम भी कर रही हूँ, और एक ही हाथ से वीडियो शूट भी कर रही हूँ, वो ट्राइपॉड पे भी मैं लगा रही हूँ तो बार बार गिर जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि हाथ से कम्फर्टेबल है भाई, जहाँ मर्जी वहाँ घुमा लो, है ना। अब इसको जल्दी जल्दी चला लेते हैं, ताकि इसमें आटे की ना गांठ नहीं बन जाए, अगर आटा अच्छे से भुना होता तो आटे में ना गांठ नहीं लगता है। देखो लहसुन और ये मिर्ची वगैरह ऊपर आ गई मेरी, और फटाफट इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं साथ साथ में। तो मैंने मसाले वगैरह सारे डाल दिए हैं इसमें, हल्दी मिर्ची एंड कश्मीरी मिर्च डाली मैंने थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल देते हैं हम धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसे आपको सही लगे, वैसे नमक हाथ से डालना चाहिए, क्योंकि हाथ से नमक डालने से ना बरकत आती है ऐसा कहते हैं, तो मैंने तो अभी चम्मच से ही डाला, वैसे नॉर्मली जब होता है तो मैं हाथ से ही नमक डालती हूँ। तो ये देखो अभी इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं, क्योंकि ये पकेगा ना तो उसके बाद ये ठीक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो लो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं।
इसको ही देखो, इसका कलर चेंज होने लग गया और ये पकने भी लग गया है ना। फिर अभी ना इसमें गुलगुले से उठने लग जाएंगे। अब ये झाग बन रहा है, झाग पूरा क्लीन हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। और पता जो मुझे तो कढ़ाई में खाने में बड़ा मजा आता है, नीचे नीचे का जो स्वाद आता है ना बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो तो ये पकने लगा, इसे ऐसे ही पकने देती हूँ मैं ना, 15-20 मिनट पकने देती हूँ, फिर अच्छे से पक जाएगी। क्योंकि अभी लाइट भी काफ़ी है तो मैंने पूरा फ्लेम फुल कर दिया, तो बहुत अच्छे से पकने देती हूँ। उसके बाद ना मैं क्या करूँगी बता, मैंने थोड़ा सा दही में से ना पानी निकाल लिया, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। मुझे थोड़ा खट्टा खट्टा सा भी अच्छा लगता है मास्क का चेहरा, तो मैं उसमें ये डालूंगी। अपना अपना टेस्ट पर मुझे पसंद है तो मैं डाल लेती हूँ। थोड़ा सा खट्टा खट्टा बन भी आ जाता है और टेस्टी भी हो जाता है खाना। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। तो आप ना ये परफेक्टली पक गए ना, तैयार हो गया बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पक गए, क्योंकि ना कढ़ाई के पूरे किनारे पे लग चुका है, इसका मतलब कि अच्छे से हो गया है तैयार। तो चलिए हम अपना बंद कर लेते हैं इंडक्शन और इसे उतार लेते हैं। तो चेसा बिल्कुल रेडी हो गया बनके, थोड़ा सा नींबू खट्टा डालने के बाद में मिर्च चावल और थोड़ा सा चने मैंने ले लिए यहाँ पे। और चेसा ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसमें आटा भून के डलता है तो ये गर्म होता है, गर्म होती है इसकी तासीर, क्योंकि जब आटा भूनते हैं ना तो वो गर्म हो जाता है। अब सर्दी गर्मी कभी भी खाइए, लेकिन सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो रेडी हो गई थाली मेरी, अब तन्नू को आवाज़ दे एक बार। सो गाइज, ये थी मेरी आज की पहाड़ी चेसा की रेसिपी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आंखें मत दिखाओ यहाँ पे, क्योंकि ना इसे सिर्फ दाल पसंद है, इसलिए ऐसे ऐसे से मुझे मुंह बना रहा है गाइज। तो मैं मतलब सिंपल ऐसे तरीके से बनाती हूँ। और अरे मत करो यार करो, तो मुझे तो लग रही बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, मैंने आपको बताया था ना काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। तो हम लोग अभी लंच कर लेते हैं और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। Bye.